मेरा क्वेश्चन जो आज है, अभी जिस पॉइंट से अपने को स्टार्ट करना है, कल मैंने आपसे कहा कि पैकेट्स को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो उन पैकेट्स को फिल्टर कर ही लेती है। मेरी आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है या मैं हेडफोन लगाऊं? ओके नो सर, क्लियर है। सो कल मैंने आपसे कहा था कि पैकेट्स को गवर्नमेंट बड़ी आसानी से ट्रेस कर लेती है। हम डिस्कस कर रहे थे फायरवॉल्स पे और वायरशार्क, इन सब टेक्नोलॉजीज पे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो उसी से मिलता जुलता, पर उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमारे पास एक ब्राउजर, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। कल हम बात कर रहे थे कि पैकेट्स को कोई ना कोई गवर्नमेंट कैसे भी ट्रेस कर ही रहती है। फिर टॉर ब्राउजर के बारे में आपने सुना कि? यस सर, यस सर। जी, अब जब हम पैकेट्स को फिल्टर कर लेते हैं तो टॉर टॉर को यूज करने के बाद क्रिमिनल्स कैसे काम कर लेते हैं? सर वैसे तो एक सेशन में मैंने सुना था कि टॉर भी ट्रेस हो जाता है। सर टॉर में वो डिफरेंट आईपीस की एक चेन बनाता है और उसके थ्रू वर्क करता सर, टॉक्सिक जी चेन उसमें। जी सो ये स्लाइड आपने प्रोबेबली देखी होगी, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वेब है, दिस इज कॉल्ड सरफेस वेब, और इसमें डीप वेब एंड डार्क वेब, मतलब जितनी सरफेस है उससे बहुत ज्यादा डीप वेब और डार्क वेब है। तो इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, और ये जो डीप वेब और डार्क वेब है, इसमें जो सरफेस वाला पार्ट है ये वो है जहां हम गूगल कर सकते हैं। डेटा जो हमारे पास गूगल के थ्रू अवेलेबल है उसको अपन सरफेस वेब बोलते हैं, जिस डेटा को हम सर्च कर सकते हैं। बट ऐसे एड्रेसेस, ऐसी वेबसाइट्स जिसको जो गूगल के थ्रू हमें नहीं मिलती है, उसको अपन डार्क वेब या डीप वेब का पार्ट दे देते हैं, और ये बहुत बड़ा है। तो मेरा मेरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ये है कि हमारी जो फायरवॉल्स हैं या जितने भी पैकेट फिल्टरिंग वाले कंपोनेंट्स डिवाइसेस हैं, ये टॉर से पास हुए प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। टॉर 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 मैं आपको बताता हूँ, हम पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए हमें एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और इट इज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द पैकेट्स यूजिंग टॉर। अभी क्रिमिनल ने कहाँ जाके क्या कर रहा है वो मिलना बहुत मुश्किल है। आई आई विल नॉट से कि इम्पॉसिबल है, बट यस इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई एम यूजिंग वेरी डिफिकल्ट, मतलब टू टाइम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अभी बहुत मुश्किल होता है चेन बिठाना कि हम कहाँ से हमारा डेटा पैकेट गया है, क्या किया है। हमने काफी कोशिश कर ली, और प्रैक्टिकली मतलब इतना बड़ा हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया, मैं आपको कभी आराम से दिखाऊंगा, बट इट इज डिफिकल्ट। तो अब पैकेट जो है अपने टॉर टॉर इज दी ओनियन रूटर। ओनियन जैसे अपने प्याज की बहुत सारी लेयर्स हैं, उसके अंदर हमने एक इंफॉर्मेशन को छुपा के भेज दिया। तो हम जिनकी बात कर रहे थे फायरवॉल्स की, इनका एक लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन कैसा है कि कितने लेयर्स तक ये अंदर फिल्टरिंग लगा सकती हैं, कितने लेयर्स तक। अगर 6-7 ज्यादा लेयर हैं तो उस केस में मतलब हम एक लिमिटेड काम ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। एक मिनट दीजिएगा मुझे। हमारी जो फायरवॉल्स हैं इनके लिमिटेशन होते हैं, हम एक लेवल तक ही पैकेट को फिल्टर कर सकते हैं। तो आज अपन ये बात करना चाहेंगे कि फायरवॉल उन पैकेट्स को ट्रेस कैसे करती है। बेसिकली कल मैंने आपको बताया था कि फायरवॉल हम कुछ भी बना सकते हैं। सिंपल, आप एक रेसबेरी पाई परचेस करके इंटरनेट से, मार्केट से, उस रेसबेरी पाई से आप फायरवॉल बना लेंगे बहुत आराम से। आज अपन ये बात करेंगे फायरवॉल कैसे उस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को, तो अपने दोनों टॉपिक कवर होंगे, जो आज का है वो भी और जो कल का है वो भी, दोनों को अपन कवर करेंगे। अपन ने कल बात की थी कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, एक हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल है, ठीक है। तो ये उसी के डायग्राम पे थी, ठीक है। अभी अपन देखते हैं कर्नल। कर्नल जो लिनक्स कर्नल है, बेसिकली वो किसी भी टाइप की फायरवॉल हो, कोई भी हो, वो फायरवॉल लिनक्स कर्नल का एक मॉड्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं नेट फिल्टर, जिसको हम बोलते हैं नेट फिल्टर। नेट फिल्टर
वो सिस्को की फायरवॉल हो, वो चेक पॉइंट की फायरवॉल हो, सोफोस की हो, वो किसी भी कंपनी की फायरवॉल हो, वो नेट फिल्टर करके एक मॉड्यूल होता है हमारे कर्नल में जिसको यूज करती है। तो ये कहाँ रिसाइड कर रहा है हमारी कर्नल में। कर्नल कर्नल इज अगेन ए काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब जब मैं लिनक्स मशीन को ऑन करता हूं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कर्नल। अपन बात करते हैं ना, क्या आप लिनक्स यूज कर रहे हो, तो टेक्निकली गलत शब्द है ये। हमें बोलना चाहिए क्या आप रेड हैट लिनक्स यूज करते हो, या आप सूसे लिनक्स यूज करते हो, या आप यूबंटू लिनक्स यूज करते हो, क्या यूज करते हो, ऐसा हमें पूछना चाहिए। क्योंकि वेन एवर वी टॉक अबाउट कर्नल, कर्नल इज बेसिकली मतलब वेन एवर वी टॉक अबाउट लिनक्स, तो लिनक्स हम एक कर्नल की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक कर्नल। तो ये कर्नल इज अगेन ए काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो वो भी सॉफ्टवेयर है बट वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर मॉड्यूल है ये है। ठीक है, नाउ व्हाट। अभी इसमें हमारे पास एक सर्विस है जिसको हम बोलते हैं आईपी टेबल्स। आईपी टेबल ये किसी भी फायरवॉल में मिलेगी आपको, है ना, किसी भी नेटवर्क फायरवॉल में, नेटवर्क नॉट इन सॉफ्टवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल में क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर फायरवॉल विंडोज में भी होगी। एम आई राइट? यस सर, यस सर। ठीक है। तो बेसिकली विंडोज पे कर्नल वाला सिस्टम नहीं चलता है। विंडोज पे सिंपल एक सॉफ्टवेयर है जो पोर्ट स्कैनिंग यूज करता है। पोर्ट स्कैनिंग मतलब मैं कोई फायरवॉल का यूआई अगर इंस्टॉल करूं, फायरवॉल का कोई यूआई, यूआई से मेरा मतलब है सॉफ्टवेयर, कोई फायरवॉल का अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं, तो कल अपन ने बात की थी कि फायरवॉल कहाँ मॉनिटर कर सकती है, वो सिर्फ कर सकती है पोर्ट्स को फिल्टर कि किस पोर्ट पे क्या डेटा जा रहा है। ऐसी विंडोज वाली भी काम करती है, लेकिन लिनक्स की जो फायरवॉल है वो कर्नल लेवल पे काम करती है। मतलब एज सून एज डेटा एंटर्स ऑन लैन कार्ड नेटवर्क, तो सबसे पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं मिलेगी, वो कर्नल को मिलेगी। कर्नल के लेवल पे नेट फिल्टरिंग हो जाएगी। तो इस मॉड्यूल को हम बोल रहे हैं नेट फिल्टर। तो विंडोज की फायरवॉल अलग है, लिनक्स की फायरवॉल अलग है। और लिनक्स की फायरवॉल ही जितने भी नेटवर्क हार्डवेयर चलते हैं, जिनको हम कल बात कर रहे थे हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, वो सब जगह यही मिलेगा आपको। मैं आपको एक दूसरे डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। ये अब ये फिल्टरिंग का प्रोसेस है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। फिल्टरिंग का प्रोसेस, फिल्टरिंग किसकी फिल्टरिंग करेंगे हम पैकेट की फिल्टरिंग करेंगे। तो आपने एक सर ने मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ लिया, मैं उनका सेम सर कैमरा रवि सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सर जी जो कैमरा है उनको हैक करके लिंक ऑनलाइन डाल देते हैं बहुत सारे पोर्टल्स पे। मैंने गूगल पे आप सिर्फ लिखिएगा ऑनलाइन वीडियो कैमरास या डीवीआर, तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे कैमरास के। बट वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा नहीं पाया था क्योंकि उसमें कभी कभी सेंसिटिव कंटेंट भी दिखने लगते हैं, इस वजह से मैंने कल आपको दिखाया नहीं था। बाकी आप गूगल करेंगे तो ऑनलाइन वीडियो कैमरास, तो आपको बहुत सारे कैमरास मिल जाएंगे लाइव कनेक्टेड। नहीं बोल रहे, वो दूसरे को एक रवि क्वेरी भी। जी, तो वहां से आपको दिख जाएगा सर वो। ओके, अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में एनआईसी, एनआईसी इज व्हाट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बहुत बढ़िया। मेरा जो लैन कार्ड है, मेरा जो नेटवर्क कार्ड है, ये नेटवर्क कार्ड पे सबसे पहले ट्रैफिक आया। अब ट्रैफिक आया यहां पे मेरे पास, ये मैं फायरवॉल की बात कर रहा हूं, है ना। कोई भी फायरवॉल हो गई, होस्ट भी, मतलब जहां जहां नेटवर्क चल रहा होगा, हार्डवेयर बेस्ड या नेटवर्क बेस्ड। एनआईसी पे डेटा आया, यहाँ पे एक प्री रूटिंग चेन है। दीज आर फाइव चेन, आप फाइव इन चेन्स को समझ सकते हो कि दीज आर फाइव चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट जहां पे हमारा जो डेटा पैकेट है उसकी फिल्टरिंग करते हैं। डेटा पैकेट, कल कल मैंने आपसे कहा था वो मूवी देखने की, लेकिन नहीं देखी, कोई बात नहीं। अभी आप ये समझिए कि डेटा इंडिपेंडेंट फॉर्म में है। जैसे मैंने एक गाना, कोई भी ऑडियो सॉन्ग है 5 MB का, है ना, 5 MB का एक गाना है, और 5 MB के गाने को ट्रांसफर करूंगा मैं सिस्टम ए से सिस्टम बी पे, तो
तो मेरे को कितनी देर लगेगी, डिपेंड्स ऑन माय इंटरनेट, कि मेरा इंटरनेट की स्पीड क्या, उसके ऊपर हम डेटा भेज देंगे। अब मेरा एक बड़ा सा डेटा है, मेरा एक बड़ा सा डेटा है, बड़ा सा डेटा से मतलब है मेरा, ये मेरा डेटा है इतना बड़ा, और ये डेटा मतलब 5 MB का डेटा है, यहां से लेके यहां तक ये 5 MB का डेटा हो गया। एक मिनट, स्क्रीन से बाहर कहाँ चला गया जी, ये 5 MB का डेटा है। मैं 5 MB के डेटा को अगर आपके पास भेजूंगा एक बार में, तो ये डेटा यहां से यहां तक पहुंचेगा, तो यहां से यहां तक 5 MB है। लेकिन जब हम नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, नेटवर्क पे जब हम डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो देर आर नॉइज या डिस्टर्बेंस, कि जब भी डेटा ट्रांसफर होगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से सिस्टम पर, है ना, अब वो एक सिस्टम से आप समझ सकते हो कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे भी हो सकता है, तो फॉर श्योर डिस्टर्बेंस होगा ही होगा, नॉइज होगी ही होगी। बेस्ट एग्जाम्पल है, आप अगर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो जियो के जो यूजर्स हैं वो कभी कभी महसूस करते हैं, उन्होंने कॉल किया किसी को लेकिन कनेक्ट हो गया किसी को, ऐसा महसूस किया आपने? यस सर, ऐसा क्यों हुआ, बहुत बार सर, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ क्रॉस कनेक्शन। नॉइज, बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस, क्रॉस कनेक्शंस, ये सारी चीजें होती ही होती है नेटवर्क पे। तो जब मैं 5 MB का डेटा, ये 5 MB का डेटा है मेरा, इसको मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, 5 MB एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जब ट्रांसफर करूंगा, तो जितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करेगा मेरी इंटरनेट की स्पीड पे, और मेरा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। बट अगर इसमें से एक भी बिट चला गया, इसमें से एक भी बिट कहीं पे लॉस हुआ मेरा, से यहाँ पे एक बिट या 1 KB या वॉट एवर डेटा मिस हुआ, तो दिस इज सेंडर, ये सेंडर था, ये सेंडर था, और ये मेरा डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन। सो डेस्टिनेशन पे जाने के बाद एक चेक होता है जिसको हम बोलते हैं सीआरसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। सो सेंडर से डेस्टिनेशन पे पहुंचा या सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचा, तो एक चेक वो कॉल्ड सीआरसी चेक। अभी यहां पे अगर वो चेक फेल हुआ, फेल क्यों होगा, क्योंकि बीच में एक बिट मतलब 1 0 या 1 1 मिस हुआ है, तो चेक फेल हो जाएगा। और ये मेरा गाना था या मेरी इमेज थी, ये डेस्टिनेशन पे जाने के बाद ओपन नहीं होगी। जब ये डेस्टिनेशन पे जाने के बाद ओपन नहीं होगी, सर मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद लगाता हूँ। तो ये डेस्टिनेशन पे जाने के बाद ओपन नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं कि हम इस बड़े से डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स बना लेते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स जिनको हम बोलते हैं डेटा पैकेट्स। सो डेटा पैकेट्स, ये फायरवॉल के लिए आपको ये डेटा पैकेट समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने वो वीडियो भेजा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा नहीं उसको। तो ये छोटे छोटे पैकेट्स बन गए। अब ये जो पैकेट्स बने हैं, ये किस साइज के पैकेट्स बने? एक डेटा पैकेट का साइज मैक्स टू मैक्स होगा तो 32 KB। पहले टोटल डेटा कितना था, 5 MB डिवाइडेड बाई 32 KB। सो इसको अगर मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाऊं, तो 5 MB डेटा था, 5 × 1024 करूंगा तो ये KB में आ गया, डिवाइडेड बाई 32। सो टोटल 160 पैकेट बनेंगे इसके, टोटल 160 पैकेट। अब ये 160 पैकेट जो बने, ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएंगे, लेकिन ये पैकेट अभी एक सेगमेंट है। इस पैकेट के ऊपर हम ऐड करेंगे हेडर एंड फुटर, इसके ऊपर अपन ऐड कर देंगे प्लस प्लस हेडर एंड फुटर। और हेडर और फुटर क्या करेंगे, हेडर और फुटर में लिखा होगा कि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेस क्या है, वो सारी चीजें इसमें लिखी होंगी। किसमें, इसके हेडर में और फुटर में, कहां से आया है, डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स क्या है, दोनों बातें इसमें लिखी हुई है यहां पे। तो हेडर और फुटर का साइज भी ऐड होगा। जो 32 KB का पैकेट था, 32 के मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, ये रहा। सो जो 32 KB का पैकेट था, 32 + 16 KB और ऐड करेंगे अपन इसमें। ये 16 KB किस बात का ऐड कर रहे हैं, सोर्स
एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस, नेटवर्क एड्रेसेस, ये ऐड करके मेरा पैकेट बन गया 48 KB का, 48 KB का। अल्टीमेटली आप ये समझो कि जो डेटा मेरा 5120 KB का था वो अब डेढ़ गुना बढ़ गया है, डेढ़ गुना बढ़ गया ना, क्योंकि 32 KB का पैकेट था, 16 KB सिर्फ उसमें हेडर और फुटर ऐड हो गए हैं। तो जो 5120 KB का डेटा था, 5120 into 1.5, सो आंसर इज 7680। सो मेरा डेटा अब 7680 MB का बन गया है। बट एडवांटेज, एडवांटेज इज कि नेटवर्क में जब डेटा ट्रैवल करेगा तो वो इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर सकता है, इंडिपेंडेंटली पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है। और उस डेटा पैकेट को गाइड कौन करेगा कि तेरे को सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना कैसे? तो वी हैव रूटर्स, रूटर्स आर लाइक ट्रैफिक पुलिसमैन, रूटर्स आर लाइक ट्रैफिक पुलिसमैन जिनका काम है रूटिंग। तो मैंने कहा कि मेरा एक पैकेट है, इसको जीमेल के पास जाना है, तो रूटर बताएगा कि भाई दिस इज एसपीएफ, एसपीएफ इज शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, तो बोलेगा यहां से दिल्ली जाओ, दिल्ली से पाथ अगर आपको अमेरिका जाना तो यूरोप से होते हुए पास पड़ रहा, लेकिन एक काम करो आप पहले जापान चले जाओ, जापान से अमेरिका चले जाना, पाथ लंबा है बट ये हाईवे चौड़ा है, सो यू विल गेट द स्पीड। यूरोप वाला जो रोड है वहां पे चोक है। तो हमारा डेटा पैकेट अब ये डेटा पैकेट बन गया है ना, कब? जब इसके ऊपर हेडर और फुटर लग गया, अब ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करके जा सकता है। अब वो डेटा पैकेट जो है किसी भी सिस्टम के एनआईसी पे पहुंचा, एनआईसी मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन के एनआईसी यानी कि लैन कार्ड पे पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद उस पैकेट का इंस्पेक्शन हुआ प्री रूटिंग चेन पे। प्री रूटिंग चेन ने क्या किया, देखा कि क्या ये पैकेट मेरे सिस्टम में अंदर लेने का था या नहीं था, अगर लेना था तो उसको इनपुट चेन पे भेज दिया। यहां पे हम रूल लगा देंगे कि यहां से एक्सेप्ट करना है, यहां से एक्सेप्ट नहीं करना है, ऐसे हम रूल लगा देंगे। तो प्री रूटिंग ने उसको इनपुट पे दे दिया, इनपुट मतलब मेरे सिस्टम में अंदर आ गया है। लेकिन ऐसा हो सकता था इस पॉइंट पे मेरा जो डेटा पैकेट आया है उसको हम कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि कोई हैकर है अपनी क्लास में, हम कोई भी नाम ले लेते हैं, कौन है हैकर, बाल्मीक तिवारी, मेरे को एक नाम दिख रहा है। सो बाल्मीक तिवारी जो है एक हैकर है, और इनका इंटरेस्ट है कि इनको कैसे भी हैक करना है। कोई वेबसाइट का नाम ले लेते हैं अपन, कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम ये है, हमने जिसमें कुछ कुछ काम कर रखा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, एक वेबसाइट है अपॉइंटी। अब कोई अगर इस वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि हैकर आएगा, पूरी ताकत लगाएगा इसके ऊपर हैक करने की। लेकिन हमने क्या किया हुआ यहाँ पे कि अगर हैकर आया, हमने ये देखा कि ये हमारे नोन नेटवर्क से नहीं है, हमारे नोन नेटवर्क से नहीं है, अननोन है, ये सिस्टम के किसी ऐसे पोर्ट पे डेटा भेज रहा है जो कि ब्लॉक्ड है, जिसको यूज करना इलीगल है या अलाउड नहीं है, हम क्या करते हैं उस पैकेट को हम रिजेक्ट कर सकते थे, यहां से इस प्री रूटिंग चेन से रिजेक्ट कर सकते थे। लेकिन जब नेटवर्क पे हम किसी को रिजेक्ट करते हैं तो वो अगली बार दुगनी ताकत लगा के फिर हमारे ऊपर अटैक करेगा, दुगना दिमाग लगा के फिर हमारे ऊपर अटैक करेगा, तो हम ऐसे अटैक्स को कब तक झेलते रहेंगे? सो व्हाट वी विल डू, हमारे पास यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन से स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि अपन देखते रहेंगे सिस्टम में। व्हाट वी विल डू कि मेरे पास एक सेंटोस की मशीन है, पैकेट आया इसके ऊपर, सेंटोस के ऊपर आना था, यही हमारा एक्चुअल सर्वर है। लेकिन हमने ये चेक कर लिया कि जो पैकेट है ये हार्मफुल सोर्स से आ रहा है, सो हम यहाँ पे प्री रूटिंग चेन पे एक रूल लिखेंगे कि इस पैकेट को फॉरवर्ड कर दो। फॉरवर्ड होके अब ये पैकेट हमने, मान लो हमारी दूसरी मशीन है फेडोरा, इस मशीन पे हमने इस पैकेट को ट्रांसमिट कर दिया, और उस मशीन पे हम क्या करेंगे कि पैकेट को हम कंफ्यूज करेंगे कि भाई तुम्हें यहाँ पे एक डेटा मिल गया है, वो कुछ कुछ हैक करना चाहता था, तो वहां पे एक सर्वर होगा जिसको ब्रेक करेगा, मतलब उसकी शांति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिर्फ चेन का यूज बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे कुछ भी रूल लगा सकते हैं, तो मैं उसको किसी और सिस्टम पे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो जब मैंने किसी और सिस्टम पे फॉरवर्ड किया तो यहाँ पे क्या होगा, किसी सिस्टम पे पैकेट पहुंचेगा, मेरा व्हाइट बोर्ड कहाँ गया, ये रहा। तो पैकेट भेजा था सिस्टम ए किधर गया, सिस्टम ए
सिस्टम ए ने पैकेट भेजा था सिस्टम बी के लिए, लेकिन मैंने पैकेट को ट्रांसमिट कर दिया सिस्टम सी के लिए. सो सिस्टम ए इज द सेंडर, सिस्टम बी इज रिसीवर, लेकिन मैंने उसको चेंज कर दिया सी के पास, है ना, ये डाइवर्जन हो गया यहाँ पे, ऐसा समझ लो. अब इस केस में क्या होगा कि पैकेट जब पहुंचा है कहाँ पे, यहाँ एनआईसी पे, तो अपन चेक करेंगे कि क्या जब पैकेट जाता है तो चेक करता है क्या मैं, मेरे को जिसने भेजा मैं सोर्स सही है और डेस्टिनेशन जहां पे मैं आया हूं क्या वो सही है, जहां पे हम पहुंचे हैं क्या वो सही है. तो एनआईसी यहां पे आ गया, अपन ने प्री रूटिंग कर दी और फॉरवर्ड पे पहुंच गया, फॉरवर्ड चेन पे. हो सकता है फॉरवर्ड चेन से हम किसी उसको दूसरे सिस्टम पे ट्रांसमिट कर दें, तो दूसरा सिस्टम देखेगा कि यार ये पैकेट ए ने भेजा था, पैकेट बी के लिए भेजा था, मैं कौन हूं सी, तो मैं काहे के लिए इस पैकेट को एक्सेप्ट करूं, मेरे को तो रिजेक्ट ही करना है. लेकिन मैंने आपको इस ड्राइंग में क्या लिख के बताया, डाइवर्जन हमने इसकी तरफ किया है, तो हम यहां पे प्रोसेस करेंगे, हम एक प्रोसेस करेंगे जिस प्रोसेस को बोलते हैं मास्क्यूरेडिंग, मास्क्यूरेडिंग, मास्क्यूरेडिंग. इसको आप थोड़ा सा गूगल करिएगा, आप लिख लीजिए इस टर्म को. So, जब हम मास्कुरेट करते हैं तो वो पैकेट का हम हेडर और फुटर वगैरह सब चेंज कर देते हैं, है ना, इन फायरवॉल उसका कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो गया. अब आप इसको पढ़िएगा, तो क्या हुआ कि हमने पैकेट का, हमने सिस्टम को समझाया कि भाई सेंडर सिस्टम ए था, रिसीवर सिस्टम बी था, बट सिस्टम सी अब इसको अल्टीमेटली रिसीव करेगा, सिस्टम सी वही डेटा पैकेट को रिजेक्ट कर देगा, नहीं ये तो मेरे लिए है ही नहीं. तो ये ना हो इसलिए हम मास्क्यूरेट करके पैकेट की बॉडी चेंज करेंगे और फिर सिस्टम सी के पास भेजेंगे. सिस्टम सी को क्या लगेगा कि हाँ ये पैकेट मेरे लिए ही आया है, मैं ही डेस्टिनेशन हूं. अब वो उस पैकेट को सिस्टम में आने देगा, हैकर को अगर कुछ करना है या किसी भी अनवांटेड आदमी को कुछ करना है तो वो सिस्टम में करेगा, हमारे मेन सिस्टम पे कुछ नहीं करेगा. तो हम यहाँ पे बहुत सारे रूल्स लिख सकते हैं अलग अलग टाइप के. मान लीजिए मेरे सिस्टम पे इनपुट पे मैंने ले लिया है, कुछ भी डेटा मांगा उसने, मैं गूगल हूं तो मेरे से उसने पेज मांगा था google.com, तो मैंने लोकल प्रोसेस, तो उसको गूगल का पेज अपन ने रिटर्न कर दिया. जब मैं रिटर्न कर रहा हूं तो फिर एक आउटपुट चेन है, चेक पॉइंट है. सो इस चेक पॉइंट पे मैं फिर चेक करूंगा कि क्या ये जेन्युइन जगह पे पैकेट जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो मैं वो चेक करूंगा. और पोस्ट रूटिंग इज द लास्ट चेक पॉइंट जहां पे हम फिर उस पैकेट को चाहे तो चेक कर सकते हैं और फिर उसको वापस बाहर निकाल सकते हैं. ये वही वाला एनआईसी है जिसके थ्रू पैकेट हमारे सिस्टम में आया था, तो जिस लैन कार्ड से सिस्टम में डेटा आया था वैसे ही उसी लैन कार्ड से सिस्टम से डेटा निकल जाएगा. मेरे पास कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक सेकंड में माइक वो हेडफोन लगा लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड. आवाज जी, आई होप मेरी आवाज क्लियर है और कोई बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस भी नहीं है. जी जी बिल्कुल क्लियर है हेमराज जी. जी तो ऐसे पैकेट फायरवॉल पे आया और पैकेट फायरवॉल से बाहर निकल गया. तो मैंने आपको क्या बताया कि हमने अलग अलग चेक पॉइंट्स पे पैकेट का इंस्पेक्शन किया और बाहर निकाल दिया. तो ये फायरवॉल का बेस कॉन्सेप्ट है जो हम काम करते हैं. इसको आप ऐसे समझिएगा कि हिंदुस्तान से चाइना जाना है और ये पांच अलग अलग चेक पोस्ट हैं. एक चेक पोस्ट पे आप बच गए, दूसरे पे आप बच गए, तीसरे पे आप शायद पकड़े जाओगे. तो ये अलग अलग चेक पोस्ट हैं जहां पे पैकेट को हम फिल्टर करते हैं. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो अब मेरे साथ यहाँ पे मीटिंग में अर्पित हैं, वो अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे. स्क्रीन शेयर करके अर्पित आप हैं? जी मैम, अर्पित शर्मा है, इनको को होस्ट हम बना सकते हैं क्या? हेमराज जी किसको को होस्ट बनाना है? मैम देखिए, अर्पित शर्मा, इनका माइक अनम्यूट है, सबसे ऊपर दिख रहा है लिस्ट में ये. जी तो ये अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और वायर शार्क इंस्टॉल करके उसके ऊपर एक डेमो देखेंगे पैकेट्स को. जी अर्पित शर्मा लिस्ट में सबसे ऊपर ही दिख रहा हूँ क्योंकि माइक अनम्यूट है. जी मैंने को होस्ट कर दिया उनको. जी ठीक है, थैंक यू मैम. सो अब अपन वायर शार्क को यूज करेंगे. वायर शार्क की अपन कल बात कर रहे थे. वायर शार्क आपको अर्पित अभी छोटा सा डेमो दिखाएंगे.
पॉइंट इज कि वायर शार्क को कौन कब कहाँ यूज कर सकता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. कहाँ यूज कर सकते हैं, मान लीजिए मैं दैनिक भास्कर डीबी मॉल में गया हुआ हूँ और डीबी मॉल में उन्होंने मेरे को एक फ्री वाईफाई प्रोवाइड किया हुआ है, फ्री वाईफाई प्रोवाइड किया हुआ है, तो हमारे लिए कैसा होता है यार, वाईफाई मिल गया है, एक काम करो कौन डेटा यूज करे, इट माइट बी पॉसिबल कि वहां पे डेटा पैकेट्स नहीं, डेटा पैकेट से मेरा मतलब है कि वहां पे मेरे को मोबाइल डेटा अच्छे से नहीं मिल रहा हो, तो मैंने कहा चलो एक काम करो मैं डीबी के वाईफाई को यूज कर लेता हूँ. बट इन दी सिमिलर नेटवर्क हमारे वहां पे अर्पित जैसे हमारे साथी बैठे होंगे जो लैपटॉप लेके बैठे होंगे एंड दे आर स्कैनिंग द एंटायर नेटवर्क कंटिन्यूसली, पूरा नेटवर्क स्कैन कर रहे हैं वो, और उस नेटवर्क में जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी मैक एड्रेसेस हैं, वो कंटिन्यूसली उनकी स्कैनिंग कर रहा होगा कि भाई कौन सा सिस्टम अभी कहाँ पे डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, वो क्या कर रहा, मतलब मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि मेरे से थोड़ी दूर पे एक इंसान खड़ा हुआ है मैं, और एक उससे थोड़ी और दूर पे खड़ा हुआ है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये जो थोड़ी दूर वाला है क्यों, क्योंकि मेरे को हो सकता है इसकी सिग्नल इसके स्ट्रांग दिख रहे होंगे, मेरे को थोड़े ज्यादा दूर वाले के सिग्नल वीक दिख रहे होंगे, तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि हाँ यही वो है जिसको मुझे ट्रेस करना है. अब वो अपने मोबाइल से क्या कर रहा है, ये एक्टिविटीज मुझे दिखेंगी. इट माइट बी पॉसिबल क्या है, इन मैक्सिमम केसेस अभी हम वेबसाइट्स HTTPS वाली यूज करते हैं. So, HTTPS वाली वेबसाइट यूज करने पे क्या होता है कि पैकेट आपके दिखेंगे तो सही अर्पित को, लेकिन वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, मतलब वो एनक्रिप्टेड पैकेट है, उसको डिक्रिप्ट करने में उसको 3 साल का समय लग सकता है. तो इसलिए अभी मेरी दैनिक भास्कर में कुछ दिनों पहले न्यूज भी दी थी कि जैसे राजभवन है मध्य प्रदेश का या फिर पुलिस की वेबसाइट थी, इनके HTTPS के सर्टिफिकेट होते हैं. HTTPS जैसे आप में से किसी ने एक वेबसाइट बनाई, किसी की वेबसाइट है क्या आप में? यस सर, यस सर. तो आप देखेंगे कि उस वेबसाइट को हमें SSL से सिक्योर करना पड़ता है, तो आपने SSL से सिक्योर किया कि अपनी वेबसाइट को? यस सर, लेट्स एनक्रिप्ट से किया है. लेट्स, बहुत बढ़िया आशीष जी. मतलब क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए GoDaddy से SSL सर्टिफिकेट खरीद लिया, सो GoDaddy से जब SSL सर्टिफिकेट खरीदने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट होगी, मतलब 1200-1500 रुपए कुछ ना कुछ चार्ज कर रहा होगा सर्टिफिकेट को देने के लिए. लेकिन सर ने जो वेबसाइट बताई हमको लेट्स एनक्रिप्ट, तो ये बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है और आप यहाँ पे जाके खुद अपनी वेबसाइट का SSL सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं. फायदा ये होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप ID पासवर्ड दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, आपके कस्टमर्स हैं, सो उन कस्टमर्स को आपने ID पासवर्ड दिए हैं कि आप इस ID पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं हमारे सिस्टम में, और अर्पित ने वायरशार्क चला रखा होगा तो वो आपके सिस्टम को पूरा आइडेंटिफाई कर लेगा, आपके ID पासवर्ड को निकाल लेगा. तो इसलिए कोशिश ये करिए कि इसको यूज करा करें. अगर आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई है और आप ऐसी किसी वेबसाइट के ऊपर डेटा भेजा ही ना करें, स्पेशली पेमेंट रिलेटेड डेटा जिसका सर्टिफिकेट एक्सपायर दिखा रहा हो, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे आप. सो अर्पित, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करो और एक बार वायरशार्क इंस्टॉल करके एक HTTP का डेटा आप ट्रेस करके दिखाओ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपन ने भेजी तो अपन उसको ट्रेस कर पा रहे हैं, एक HTTPS का डेटा आप ट्रेस करके दिखाओ, तो दोनों में डिफरेंसेस दिखेंगे. तो मैं अपनी शेयरिंग बंद कर रहा हूँ. बेसिकली जैसे सर ने आपको बताया, वायरशार्क एक पैकेट एनालाइजर टूल है. वायरशार्क एक पैकेट एनालाइजर टूल है. ये क्या करता है बेसिकली कि जितने भी अपने सिस्टम से कोई भी अपन वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, कोई साइट एक्सेस कर रहे हैं, वो HTTPS है, HTTP जो भी हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो भी अपन जब भी कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो अपनी मशीन से, एक मेरी मशीन से एक कोई भी पैकेट वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा वहाँ पे जो भी अपन वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं. तो पैकेट को ट्रेस करने के लिए अपन कौन सी एक पैकेज टूल है वायरशार्क करके. तो वो वायरशार्क टूल क्या करता है कि जो भी अपन ने अपनी मशीन से किसी वेबसाइट में पैकेट ट्रांसफर किए है ना, या फिर वो वेबसाइट से अपना एक्नॉलेज आ रहा है अपनी मशीन पर, तो वो पैकेट को क्या करता है, एनालाइज करता है. तो इसको इंस्टॉल करने का बहुत सिंपल तरीका है. अब मैं अभी अपनी Ubuntu मशीन में मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया, लेकिन मैं फिर भी आपको कमांड चला के दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी कमांड से. सबसे पहले अपन एक रेपोजिटरी होती है यूनिवर्स करके, वहाँ पे वायरशार्क पैकेज है, तो मुझे अपनी मशीन पे इस पैकेज इस रेपोजिटरी को ऐड करना पड़ेगा. तो इस कमांड से
ये जो प्रोसेस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लिनक्स के लिए है, आप अगर विंडोज के लिए करने जाएंगे तो वायरशार्क की वेबसाइट पे सीधे सीधे आपको पैकेज दे देता है, उस पैकेज को आपको इंस्टॉल कर लेना, तो ये पैकेज लिनक्स वाला है, लिनक्स में ही आपको असली कंट्रोल मिलेंगे उसके बेसिकली, इसलिए वहां पे अपन काम कर रहे हैं। प्लीज तो ये बेसिकली पहला वाला कमांड अपनी यूनिवर्स रिपोजिटरी को जहां पे मेरा वायरशार्क पैकेज है उसको अपनी मशीन पे मतलब मेरी लिनक्स मशीन में जो Ubuntu है उस पे क्या कर लेगा, उस पे वो कर लेगा, ऐड कर लेगा उस रिपोजिटरी को। तो सिंपल इस मशीन से इस वाली कमांड से जो मेरी रिपोजिटरी वो सिंक हो जाएगी मेरे सिस्टम से, मेरी मशीन से ये जो रिपोजिटरी यूनिवर्स वो सिंक हो जाएगी। इस यूनिवर्स रिपोजिटरी एक पैकेज रखा होगा, कौन सा पैकेज मतलब टूल जो कौन सा अपन इंस्टॉल करना है, वायरशार्क। तो वायरशार्क पैकेज इस रिपोजिटरी, तो अब अगर जब रिपोजिटरी में इस कमांड से सिंक हो गई उसके बाद में एक कमांड चलाऊंगा sudo apt install wireshark। अब ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड अपने यूनिवर्स रिपोजिटरी से वायरशार्क पैकेज को क्या कर लेगी, इंस्टॉल कर लेगी। तो मैंने कमांड चलाई apt, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वायरशार्क के इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी न्यूएस्ट वर्जन, मैंने ऑलरेडी अपनी मशीन पर वायरशार्क इंस्टॉल कर चुका है, तो वो क्या करेगा, मतलब उसने क्या बोल दिया कि आपकी मशीन पे ऑलरेडी वायरशार्क इंस्टॉल्ड है। अब तीसरी कमांड यहाँ पे ये है कि मुझे अपने ग्रुप मतलब मैं अभी Ubuntu यूजर से लॉग इन एक कमांड चलाता हूँ UMI, तो ये मुझे बता रहा है कि मैं अभी मैं अपनी मशीन पे इस वाले यूजर से लॉग इन टू, तो ये यूजर्स को मुझे वायरशार्क की परमिशन देनी पड़ेगी। मतलब वायरशार्क जब भी इंस्टॉल होता है वायरशार्क तो वो अपना एक ग्रुप बनाता है वायरशार्क नाम से, तो मुझे उस ग्रुप पे कौन से ग्रुप पे, वायरशार्क ग्रुप पे अपने यूजर को UMI एक कमांड UMI कमांड है जो मुझे मेरा करंट यूजर बताएगी, तो वायरशार्क ग्रुप से मुझे इस यूजर को करवाना पड़ेगा, उस यूजर पे ऐड करवाना पड़ेगा, कौन से ग्रुप पे, वायरशार्क। तो सिंपल सी कमांड ये कर रही है कि एक वायरशार्क करके ग्रुप है उस पे जो भी उस यूजर से मैं लॉग इन टू तो उसे ऐड करा देगा, तो मैंने कमांड चलाई ठीक है तो वो ऐड होगा बेसिकली। अब मेरा वायरशार्क इंस्टॉल हो गया तो मुझे यहाँ पे मिलेगा वायरशार्क, मतलब मैं एप्लीकेशंस पे जाऊंगा तो मुझे नीचे एक वायरशार्क करके टूल मिल गया। अब क्या है यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें आ रही है ठीक है, लेकिन जो मेरा इंटरनेट है वो इस वाले एडाप्टर से चल रहा है ENS33 से ठीक है। अगर मैं अपने टर्मिनल पे जाऊँ आपको कमांड चलाऊँ IP एड्रेस से तो मुझे सबने वो पोर्ट दे देगा कि मेरा कौन सा केबल चल रहा है, वो इंटरनेट किस पे चल रहा है, ENS33 पे, और इसका IP एड्रेस है 192.168.196.130 ठीक है। अब क्या करता हूँ मैंने इसको ऑन कर लिया इस वाले को, अब जितने ही पैकेजेस मेरे ट्रांसफर होंगे सब यहाँ पर लिस्ट होंगे ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे गया, मैंने पैकेजेस को फिल्टर कर लिया, ये आपको बता रहे कि अप्लाई फॉर डिस्प्ले फिल्टर, तो मैंने पैकेजेस को फिल्टर कर लिया HTTP नाम से, किस नाम से HTTP, तो जितने भी HTTP पैकेज मेरे मशीन से ट्रांसफर होंगे है ना तो वो यहाँ पे मुझे शो कर देगा। तो अभी कोई पैकेजेस नहीं है जो ट्रांसफर हो रहे हैं ठीक है। मैं अपने ब्राउजर पे गया, मैंने जो भी इसका कैशे था, एक सेकंड, जो भी इसका कैशे था मैं कैशे डिलीट कर, ये मैंने इसका अपना ब्राउजर का कैशे डिलीट कर दिया। तो अब मैं एक वेबसाइट को पहले स्क्रीन कर लेता हूँ, मैं स्टॉप कर लेता हूँ बेसिकली इसको ठीक है। अब मैं वापस अपने अडेप्टर पे गया ठीक है, मैंने यहाँ पे मैंने मेरी वेबसाइट है ये आपको दिख रहा होगा इसमें नॉट सिक्योर आ रहा है, मतलब ये जो मेरी वेबसाइट है वो HTTP पर चल रही है ठीक है। मैंने इसकी IP एड्रेस मैंने इसका URL कॉपी किया और मैं अपनी मशीन पे गया, मैंने अपने ब्राउजर पे उसको एक्सेस कर लिया ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स ट्रांसफर हुआ बेसिकली। तो सबसे पहला पैकेट कहाँ से गया, सोर्स डेस्टिनेशन क्या है, 192.168.196.130 जो कि मेरे मशीन का क्या है IP एड्रेस है, वहां से गया है इस सर्वर के IP एड्रेस पे, जो भी वो डेस्टिनेशन थी उसके IP एड्रेस पे गया और उसने बोला कि वो गेट रिक्वेस्ट कर रहा है। बेसिकली दो टाइप की रिक्वेस्ट होती है, गेट और पोस्ट। तो जो गेट रिक्वेस्ट है वो अपन किसी मेरी वेबसाइट से कहाँ पे आ रही है, मतलब मैं अपनी मशीन से किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ, तो कौन से रिक्वेस्ट का एग्जांपल है, गेट रिक्वेस्ट। तो ये गेट रिक्वेस्ट पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ सब देख सकते हैं, जो अपना प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, होस्ट बता रहा है, होस्ट का मतलब URL बता रहा है
है ना, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एक कोई इमेज है जो वो ही होगी, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अब देखिए यहाँ से कौन सा गेट करा इसने मेरे डेस्टिनेशन से, मतलब मेरे आईपी एड्रेस से उस मशीन जो भी सर्वर है उसने गेट रिक्वेस्ट करी किस पे, bootstrap.css करके फाइल है, एक custom.css मतलब एक brc_custom.css करके फाइल। ये सारे पैकेजेस जो भी उस वेबसाइट पे कंटेंट है वो क्या कर रहा है, मेरा सिस्टम उस डेस्टिनेशन पे एक्सेस कर रहा है, ठीक है। जब इसने एक्सेस करा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सर्वर है वहां से मेरी वॉइस क्लियर है ना आप लोग? यस सर। सर प्लीज मेक इट लाउड। तो आपको दिख रहा होगा मैंने वेबसाइट एक्सेस करी, अब इस वेबसाइट में बहुत सारे कंटेंट है, फोटो भी होगी, कोई बैकग्राउंड में एचटीएमएल फाइल होगी, सीएसएस फाइल होगी, जेपीजी इमेज होगी, बूटस्ट्रैप फाइल होगी, ये सब आपको ये वायशार्क आपको सब ट्रेस करके दे रहा है कि मेरे मशीन ने मेरे मतलब मेरी मशीन ने उस सर्वर से क्या क्या एक्सेस किया, क्या क्या गेट रिक्वेस्ट को करा, और उस सर्वर से देखिए जैसे ये है क्या लिखा है, सोर्स कौन सा है यहाँ पे, वो सर्वर का आईपी एड्रेस है, और डेस्टिनेशन क्या है, मेरी मशीन। तो उसने सीएसएस फाइल का ट्रांसफर कहाँ से करा, सोर्स से, मतलब उस सर्वर से मेरे आईपी मतलब मेरे ब्राउजर पे क्या करा, वो करा, पुश करा। ये आपको सब दिख रहा होगा, एक्नॉलेजमेंट मैसेज दिख रहा होगा कि कौन से 200 कोड आता है, आपने पढ़ा होगा बहुत सारे कोड्स होते हैं, है ना। तो 200 कोड बेसिकली क्या है कि सब सही पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने सीएसएस फाइल ली, ठीक है। आपको सब कोई भी पैकेज खोल लीजिए, आपको सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ से, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तो जैसे मैंने प्रोटोकॉल करा वापस एचटीटीपी है, कौन सी डेट को हुआ, सर्वर कौन सा चल रहा है, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो बैकएंड में सर्वर चल रहा है वो कौन सा सर्वर अपाचे है, ठीक है। जैसे और भी इसमें और बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी आपको फाइल्स दिख रही होंगी, जैसे एक ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, वो भी कहाँ से मैंने रिक्वेस्ट करी, कहाँ से अपनी मशीन से, उस डेस्टिनेशन से रिक्वेस्ट करी, तो गेट रिक्वेस्ट आ रही है, फिर उसने एक्नॉलेज कर दिया उस फाइल को, ठीक है। तो कहाँ से, उस मशीन से, उस डेस्टिनेशन, मतलब आपको बहुत सारी ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये आपको बता रहे अपन ने कौन सी वेबसाइट वो करी, HTTP, कौन सी करी, HTTP, मतलब अपन ने कोई भी HTTP वेबसाइट से HTTP वेबसाइट पर पैकेज अपन ने ट्रांसफर किया और वहां से अपन गेट रिक्वेस्ट चली, ठीक है। अब अपन एक वेबसाइट ले लेते हैं, कोई भी HTTPS वेबसाइट ले लेते हैं, तो एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट बेसिकली HTTPS पे चल रही है। मैं वापस गया, मैंने यहाँ पे सारा कंटेंट को वापस करा। अब एक सेकंड अर्पित, मैं आपका टाइम लूंगा यहाँ पे। आप देखिए HTTP वाली वेबसाइट जो अर्पित ने एग्जांपल के लिए चूज की, जरा एक मिनट उसको देखिएगा कौन सी है। गवर्नमेंट हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी भी गवर्नमेंट इस लेवल पे नहीं आ पा रही है कि हमारा हमारी वेबसाइट पे किस तरह के ट्रैफिक आ रहा है, किस तरह का डेटा हमें मतलब कंट्रोल करना, सिक्योरिटी पे देखिए बहुत कम। अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया लेकिन उनकी वेबसाइट जो है बिना HTTPS के चल रही है। ऐसे ही कितनी सारी वेबसाइट्स हैं मध्य प्रदेश, मतलब एक दिन क्या हुआ है, मैं एक प्रेजेंटेशन में बैठा, वहां पे पुलिस वाले भी आए हुए थे और उसी दिन मैंने देखा था कि पुलिस की वेबसाइट जो है उस पर चल रही है, उसी सुबह मेरी दैनिक भास्कर में न्यूज भी थी उसी के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने उसी न्यूज को एक स्क्रीनशॉट बनाया मेरी प्रेजेंटेशन से पहले और जैसे ही वो पुलिस वाले उतरे मैं चढ़ गया स्टेज पर, मैंने दिखाया, मैंने देखिए। अब आपको ये हम सबको समझना है कि वेबसाइट बना लेना ही एकमात्र हमारा काम नहीं है, हमारा ये भी जिम्मेदारी है कि हमारा जो यूजर है भाई, किसी यूजर ने अपना पासवर्ड हमारी वेबसाइट पर रखा हुआ है। जनरली बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं कि पासवर्ड जो है कॉमन रख देते हैं कि ऐसी वेबसाइट जिससे डेटा हमारा चोरी हो जाता है फर्क ना पड़े, उसके लिए हमने कॉमन एक सिंपल पासवर्ड रख दिया है। कुछ हमारा जो सेंसिटिव डेटा जीमेल फेसबुक इन सब पे हम अपन पासवर्ड थोड़ा अलग टाइप का रखते हैं। अभी एक HTTP से मेरा पासवर्ड लीक हुआ तो यूजर कुछ भी खोलो, मैं आपका उबर ओला कुछ भी पेटीएम मैं क्या क्या खोल सकता हूँ आपका। तो पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, वो अपने HTTP से लीक नहीं होने दे सकते। गवर्नमेंट के मेजर प्रोजेक्ट दिखेंगे आपको ऐसे दिखेंगे HTTP में नहीं चल रहे होंगे। तो ये हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि जहां मिले आप उन्हें टोकें बोलें कि भाई आप इसको अपडेट करें, नहीं तो वायर शार्क को यूज करके हम सारी इंफॉर्मेशन अपने पास पूरे नेटवर्क को स्कैन लगा सकते हैं। अपन अभी पूरे नेटवर्क से क्या क्या ट्रैफिक जा रहा है हम वो सारा स्कैन करके निकाल लेंगे, तो बहुत ही अच्छा टूल है। अब वो
कौन कौन से पोर्ट पे जा रही है, जस्ट इसके बाद जैसे ही वायरशार्क खत्म होता तो मैं आज का जो टॉपिक है एनमैप आपको उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ वो क्या करेगा, तो आराम से अपन इसको करते हैं। सो प्लीज अंकित आगे। मैं एक वेबसाइट ले लेता हूँ HTTPS, जो कौन से प्रोटोकॉल पे, तो आपको यहाँ पे सिग्नल दिखा रहा होगा ना सिक्योर है, आपको एक लॉक का साइन दिखा रहा होगा, और जैसे इसमें आपको क्या दिखा रहा है नॉट सिक्योर, तो ये बेसिक डिफरेंस है तो जब पता कर सकते हैं HTTP और HTTPS में। ठीक है, तो मैंने वेबसाइट यहाँ से इसकी URL कॉपी कर ली। अब मैं क्या यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप कर लिया, स्टॉप का सिंबल दिख रहा होगा आपको, इसको मैंने स्टॉप कर लिया, और मैं यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ क्लियर स्क्रीन कर लिया, वो बता रहा है कि आपको कैप्चर करना है कि जो भी आपको पैकेज हो, तो मुझे सेव करना, तो कंटिन्यू करता हूँ, वापस में उसी अडाप्टर पे गया अपना। ठीक है, मैंने वहाँ से फिल्टर कर लिया HTTPS। ठीक है, एक सेकेंड, ऑटोमेटिकली मुझे कुछ दे रहा है, अपन वेबसाइट का वो क्लीन कर लेते हैं कैश। नहीं, सर्च बॉक्स में तेरे को HTTPS लिखना पड़ेगा ना, और स्कैनिंग तेरे को HTTPS के लिए लगानी पड़ेगी। एनीवेज, जब तक ये चल रहा है तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किस किस पोर्ट का डेटा हमको स्कैन करना है, किस पोर्ट पे डेटा हम यूज कर रहे हैं, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सामने वाला सिस्टम है, मेरे को पता है कि उसका IP ये है, लेकिन किस किस पोर्ट के थ्रू वहां डेटा निकल रहा है उस सिस्टम से, किस किस पोर्ट के थ्रू डेटा को हम मॉनिटर कर सकते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक दूसरा टूल होता है जिसका नाम है एनमैप। तो जब तक अर्पित थोड़ी सी देर लिए शेयरिंग बंद करेगा अपनी स्क्रीन पे आता हूँ, फिर जैसे ही तेरा हो जाएगा मेरे को बताना, तो मैं वापस शेयर करूँ। तो वायरशार्क की टूल है जिससे आप क्या कर रहे थे, जिससे आप आपके सिस्टम पे जितने भी पैकेट्स हैं उन पैकेट्स को मॉनिटर कर सकते हो, पैकेट्स सिस्टम के, है ना, अपने सिस्टम के या किसी सामने वाले सिस्टम के, किसी के भी, लेकिन सामने वाले सिस्टम के कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। हमने कल पोर्ट्स के बारे में बात की थी कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है जिस पोर्ट का ट्रैफिक को हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये अगर मुझे पता करना है, आपने वायरशार्क में ये सारे काम कर सकते हैं जो मैंने स्लाइड में लिखे, मैं कोशिश करूंगा स्लाइड याली आपसे भी शेयर कर दूं, लेकिन हमें ये चेक करना है कि सामने वाले सिस्टम के कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा टूल है जिसका नाम है एनमैप। अंकित पॉसिबल हो तो ये एनमैप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर ले, और एक सिस्टम कोई वर्चुअल मशीन में तो अपन उसको स्कैन करके देखेंगे। अब एनमैप का काम ही ये है कि जितने भी सिस्टम पे ओपन पोर्ट हैं, इट मे बी TCP पोर्ट, इट मे बी UDP पोर्ट, पोर्ट्स क्या हैं आप अगर याद करेंगे तो मैंने कल आपको बताया था कि हमारे सिस्टम में 65,535 पोर्ट्स हैं, इतने पोर्ट्स हैं, और ये एक फाइल है जिसमें सारे पोर्ट्स लिखे हुए, आप गूगल करेंगे आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। तो हर सर्विस का पोर्ट है कोई ना कोई, जैसे अपन पोर्ट 80 अपन सबको कॉमनली पता है कि काय का है, पोर्ट 80 इज फॉर HTTP। हमने कहा कि पोर्ट, जैसे कल कोई 443 की बात कर रहा था, 443 मैं सर्च कर लेता हूं, तो 443 इज फॉर HTTPS। तो हर सर्विस का एक पोर्ट है, तो किसी स्पेसिफिक सिस्टम पे कौन सा पोर्ट ओपन है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम टूल यूज करते हैं एनमैप, और ये कंप्लीट पोर्ट स्कैनिंग चलाएगा। पोर्ट स्कैन चला के हमें और क्या क्या बता देगा, वर्जन डिटेक्ट, OS डिटेक्शन। हमारा सिक्योरिटी में आधे काम तो तब हो जाते हैं जब ये पता लग जाता है कि सामने वाले सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है,
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सामने वाले सिस्टम में, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने फ्लॉज होते हैं, अपनी वल्नरेबिलिटीज होते हैं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वर्जन में क्या क्या कमियां थी ये इंटरनेट पे अवेलेबल होंगी। सो हम वो कमियां निकाल के उन पोर्ट्स को यूज करके किसी भी सिस्टम में हम अटैक कर देंगे। तो ये एनमैप का ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम ये चेक करेंगे कि टीसीपी और यूडीपी पोर्ट्स हमारे पास कौन कौन से ओपन है। मैं आगे बढ़ू उससे पहले एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, टीसीपी और यूडीपी क्या आप ढूंढेंगे इसमें डिफरेंस, आपको क्या मिलेगा टीसीपी और यूडीपी पे? सर कनेक्शनलेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। जी जी। और यूडीपी जनरली आर ओपन पोर्ट्स। हाँ मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं उसको। देखिए टीसीपी इज समथिंग जहां हमेशा हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, जैसा सर ने कहा कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। सो कनेक्शन ओरिएंटेड से तात्पर्य यह है कि एक सिस्टम है और एक दूसरा सिस्टम है, दो सिस्टम सेंडर एंड डेस्टिनेशन, इन दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन चल रहा है। तो यहां से मेरे को मान लीजिए 4 पैकेट भेजने हैं, ये मेरा सेंडर है और ये मेरा डेस्टिनेशन है। तो सेंडर जैसे ही पहला पैकेट भेजेगा तो यहां पहुंचेगा वो, और यहां पहुंचने के बाद उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, डेस्टिनेशन से एक्नॉलेजमेंट आएगा कि हाँ हमें पहला पैकेट मिल गया। पैकेट अपन ने बात की थी 5 MB को अपन ने छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक किया, वो तो सब हर चीज पैकेट के अगल बगल में घूम रही है। तो पहला पैकेट मिल गया, फिर दूसरा मिल गया, फिर तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया, ऐसे सारे पैकेट्स मिलते जाएंगे। अभी मेरे पास हर पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भी आ रहा है, अगर एक भी पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, मान लीजिए दूसरे नंबर के पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो मेरा सिस्टम क्या समझ जाएगा, जो सोर्स है वो क्या समझेगा कि पैकेट नंबर 2 नहीं पहुंचा है, कहीं ड्रॉप हुआ है, फिर से सेंड कर। तो इन टीसीपी कम्युनिकेशन हम 100% श्योर हैं कि मेरा डेटा डिलीवर होगा ही होगा। ऑन इंटरनेट मैक्सिमम कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग टीसीपी। मैं मेल भेज रहा हूं, मैं चैट कर रहा हूं, आपको व्हाट्सएप में आप देखते हो ना कि आपने एक चैट भेजा तो टिक आ रहा है, डबल टिक आ रहा है, ब्लू टिक आ रहा है, ये आप लोगों को ये वो एक्नॉलेजमेंट से ही अपडेट हो रहा है कि मेरा पैकेट कहां तक पहुंच गया, उसके हिसाब से मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ रहे हैं, ऐसे ही हर पैकेट के हैं। सो अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूडीपी भी है, यूडीपी का काम क्या है? वो भी सेंडर और रिसीवर, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में पैकेट ट्रांसमिट करता है, लेकिन यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट नहीं है। TCP is like registered post and UDP is like 15 पैसे का पोस्ट कार्ड, पता नहीं कितने का था वो। मेरा एक फ्रेंड रहता था बॉम्बे में, मैंने उसका एड्रेस डाला और भेज दिया। मुझे कोई मतलब नहीं कि वो डेस्टिनेशन पे है या नहीं है, मैंने तो पैकेट भेज दिया। तो ये कम्युनिकेशन UDP होता है। Now my question is कि कोई एक एग्जांपल बताएंगे आप लोग मेरे को UDP का? सर वीडियो कॉन्फ्रेंस। हेलो। हाँ अबूजर। और नहीं अबूजर को छोड़ दी, और कोई आंसर? यस सर टीसीपी का है और टेलनेट। टीसीपी का टेलनेट है, ग्रेट। यूडीपी का ऑनलाइन गेम वीओआईपी। हाँ सर ऑनलाइन गेम्स में तो आप देखिए ना, आपने अगर एक स्टेप आगे बढ़ा तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिला कि वो एक स्टेप आगे बढ़ गया है। जैसा इन्होंने कहा कि वीओआईपी है, वीओआईपी अबूजर ने जो कहा, ये सारी ये सब चीजें यूडीपी में चल रही। जैसे मैंने इसको क्या है अपना व्हाट्सएप यूज करके किसी को कॉल किया, व्हाट्सएप यूज करके किसी को कॉल किया, तो मैंने यहां से कुछ बोल दिया, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि जितनी भी बातें मैंने यहां से कही है वो सारे पैकेट वहां पर ट्रांसमिट होंगे, वो मेरी पूरी बात पहुंचेगी या मिस हो जाती है कभी कभी? सर कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, बिकॉज दैट इज वीओआईपी, वॉइस ओवर आईपी है ना, तो वहां कोई गारंटी नहीं है। जितने भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं वो सब यूडीपी पे चल रहे हैं। आप हॉटस्टार पे मैच देख रहे हैं तो आपने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी ने बल्ला उठाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अचानक से कुछ दिखा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद दिखा कि बॉल बाउंड्री के पार घिरी हुई है। तो बीच के जो पैकेट्स थे वो मिस हुए, और आपको उसके बाद के पैकेट जो मिले वहां से दिखना स्टार्ट हुआ सीधे सीधे, तो दैट इज यूडीपी। अब एक और क्वेश्चन है, टीसीपी फास्ट होगा या यूडीपी फास्ट होगा? टीसीपी सर, यूडीपी।
यूडीपी विल बी फास्ट सर बिकॉज़ वी डोंट रिक्वायर एक्नॉलेजमेंट. बिल्कुल यूडीपी फास्ट होगा क्योंकि यूडीपी में हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं है. सो एक्नॉलेजमेंट मैं हमेशा एक्नॉलेजमेंट का वेट करूंगा ना अगर मैं टीसीपी पे हूं तो exactly, वो sir. तो वो यूडीपी ही फास्ट है बट यूडीपी का ड्रॉबैक मैंने आपको बताया कि उसमें अगर एक आध पैकेट लॉस हुआ तो पैकेट लॉस हो गया हम उसमें और कुछ नहीं कर सकते फिर. तो ये टीसीपी और यूडीपी जगह जगह बार बार आते रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एनी के पैकेट के ऊपर काम करना. ठीक है तो आपने देखा कि एनमैप का जो काम है वो ये मैंने समरी में आपको बताया कि होस्ट डिस्कवरी मतलब सामने वाले सिस्टम को ढूंढना मतलब एक नेटवर्क है उस नेटवर्क में मैंने लगा दिया मेरे को नहीं पता कि डीबी मॉल में कितने सिस्टम चल रहे हैं इस टाइम पे. तो मैं अपना लैपटॉप ले गया कहीं पेड़ के नीचे बैठा डीबी मॉल में और मैंने एनमैप यूटिलिटी चलाई तो मैं जितने होस्ट मेरे आसपास काम कर रहे मैं वो डिस्कवर करूंगा. कौन कौन से होस्ट पे कितने पोर्ट्स ओपन है मैं वो डिस्कवर करूंगा. किस सिस्टम पे वर्जन क्या चल रहा है वो डिटेक्ट करूंगा. सॉफ्टवेयर के पोर्ट्स के एप्लीकेशन के ओएस क्या चल रहा है वो डिटेक्ट करूंगा. तो ये सारी यूटिलिटी अपन एनमैप को यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फिर मेरे को कुछ ऐसे रिजल्ट मिल जाएंगे जिन रिजल्ट से मेरे को मैं ये आइडेंटिफाई कर लूंगा कि मेरे को अच्छा अब मेरे पास अब अगेन वही टारगेट किलिंग वाली बात आ गई कि मेरे पास टारगेट आ गया ना कि मेरे को एग्जैक्टली ये आईपी है इस आईपी पे ये पोर्ट्स ओपन है अब मेरे को काम करना है तो मैं काम कर लूंगा वहां पे. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. यस सर. दोनों बहुत अच्छे टूल्स हैं वायरशार्क भी एनमैप भी. तो एनमैप से हम देखो ये टूल्स अपन इन पे बात क्यों कर रहे हैं. ये टूल्स अपन बात इसलिए कर रहे हैं कि आप कितनी आसानी से ये ढूंढ सकते हैं कि आपके नेटवर्क में क्या फ्लॉज हैं आपके नेटवर्क में क्या फ्लॉ हैं और आप एज इन आपको लग रहा है ना कि मेरे को मेरे नेटवर्क को सिक्योर बनाना है तो आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले ये है कि आप अपने नेटवर्क पे ही अटैक मारें और अपने नेटवर्क पे ही अटैक मार के आप ये सीख पाएंगे कि हाँ मैंने सिक्योर कर लिया अपने नेटवर्क को मेरा डेटा अब कोई एक्सेस मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा मतलब कोई और भी एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा. तो सबसे पहले आप अपने खुद के ऊपर अटैक मारें. दूसरी बात एनमैप आप सोच समझ के चलाएं क्योंकि आपने सोचा कि हम किसी की हमारी वेबसाइट ITIndia.in अगर किसी ने इस वेबसाइट पे एनमैप स्कैनिंग चलाई है और मैं चाहूं तो मैं सामने वाले के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता हूं. You are not allowed to do that. आपको परमिशन नहीं है कि आप कोई लीगल एक्शन चला आप कुछ किसी भी टाइप की पोर्ट स्कैनिंग चलाओगे. पोर्ट स्कैनिंग अगर आपने चलाई तो आपकी समस्या क्या आ जाएगी कि आपको कोर्ट में मैं चैलेंज कर सकता हूँ आपकी वजह से मेरा कितना लॉस हुआ मैं आपसे ये क्लेम कर सकता हूँ. तो ये बहुत सारे हैं ना आईटी लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉ का पालन करना. तो वो ध्यान रखिए कि अपन ने हर कहीं पे आप स्कैनिंग नहीं मार सकते जो नेटवर्क आपका नोन है कि हाँ या फिर जो आपको रिटर्न कंसेंट दे जैसे दिस इज वेरी गुड बिजनेस. लाइक मैं अभी चला जाऊंगा मिलन रेस्टोरेंट वाले के पास और उसको बोलूंगा साहब आपकी वेबसाइट में ये फ्लॉ है तो वो दो तरीके से लेगा इस बात को. पहली बात कि थैंक यू सो मच भाई साहब आपने तो हमें बचा लिया कोई हमारी वेबसाइट हैक कर लेता. दूसरा एंगल ये हो सकता है कि भैया हमारा कल वेबसाइट पे नुकसान हुआ था वो भी तुमने ही किया होगा तुम्हारी वजह से ही हुआ है. सो ऑलवेज यू नीड अ रिटन कंसेंट कि भाई आप हमारे लिए स्कैनिंग चलाओ हमारे लिए सिक्योर करो और फिर काम कर सकते हैं अपन नहीं तो आप फंस जाएंगे है ना. तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा तभी आप आगे बढ़े नहीं तो आपके साथ बहुत सारी समस्याएं आएंगी. मतलब खुद पे आप टेस्टिंग मारे खुद के नेटवर्क को खुद के सर्वर को आप स्ट्रांग बना सकते हैं इन दोनों टूल्स को यूज करके. जो फायरवॉल के लिए अपन ने वायरशार्क देखा था कि भाई वायरशार्क से हम क्या क्या पैकेट फिल्टर कर रहे हैं और एनमैप आज अपन ने क्यों देखा ताकि हमारे आसपास कितने सिस्टम्स चल रहे हैं कितने सिस्टम पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं और उन पोर्ट्स के ऊपर क्या क्या डेटा जा रहा है इसके लिए आपको वापस वायरशार्क चलाना पड़ेगा तो आप ऐसे काम कर लेंगे. ठीक है आई होप अर्पित आपका रेडी है क्या एनमैप या फिर आप इंस्टॉल कर लिया इंस्टॉल कर लिया तो ठीक है एक बार आप उसका भी डेमो दें. मैं रवि सर से और मैडम से मैं परमिशन चाहूंगा कि मेरे को आज्ञा दें. अर्पित थोड़ा सा सेशन को कंक्लूड कर लेगा मुझे कहीं एक मीटिंग में जाना है मैम यूनिवर्सिटी तो मैं जाऊं क्या. थैंक यू सर वी विल कंक्लूड दिस सेशन बाय 3 ना जी मैम जी ओके जी
ठीक है, वो कोई कंटिन्यू कर रहा है उनका सेशन, आप वॉइस बंद कर दो। यस सर, विजिबल है स्क्रीन। तो बेसिकली अब एनमैप, अभी सर ने बताया एनमैप से क्या था, क्या बताया था सर ने आपको, कोई भी आइडिया जैसे क्या होता है समझते हैं। मेरे पास एक सर्वर, अच्छा एफटीपी सर्वर जानते हैं आप लोग? यस सर। एफटीपी सर्वर क्या होता है, FTP सर्वर किसके काम, किस काम में आता है, फाइल को ट्रांसफर करना, फाइल ट्रांसफर करना, ठीक है। FTP सर्वर चलता कौन से पोर्ट पे, कोई आईडी, कोई आईडी सर 21। बिल्कुल, FTP सर्वर दो पोर्ट पे चलता है, एक्चुअली 20 और 21 पे FTP सर्वर चलता है, और जो डेटा ट्रांसफर होता है FTP से वो किस पे, किससे ट्रांसफर होता है, कौन से पोर्ट से, 21 पोर्ट से, ठीक है। और एक और ऐसा सर्विस, एक और ऐसा वो है SSH, SSH कौन से पोर्ट पे चलता है, 23 22 22, ठीक है। ऐसे बहुत सारे HTTP है, वो मैं किस कौन से पोर्ट पे चलता है, HTTP अपना 80 पोर्ट पे चलता है ना, HTTPS कौन से पोर्ट पे चलता है, HTTP चलता है 443 पे। इतने सारे मतलब ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती है अपने सिस्टम में, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं एक्चुअली, 65,335 काम करेंगे, ठीक है। कोई भी हैकर वो क्या कर सकता है, उन पोर्ट के थ्रू मेरे सिस्टम में क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। कोई भी हैकर है, कोई भी मतलब एक हैकर है, वो इन पोर्ट, जो भी पोर्ट्स मेरे किस में होंगे, मेरे सिस्टम में ओपन होंगे, उनसे क्या कर सकता है, उनको वो मेरे सिस्टम में उन पोर्ट्स के थ्रू क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है ना। बेसिकली क्या होता है, तो इसलिए अपन को पोर्ट्स ओपन क्लोज करना थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, है ना। जैसे अब पोर्ट्स आपने फायरवॉल पढ़ा आपने किसी ने, फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल से क्या करते हैं, फायरवॉल कौन सी सिक्योरिटी, फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी, क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी किस पे काम करती है, नेटवर्क, ठीक है। तो मैं फायरवॉल से कोई भी पैकेजेस को या फिर किसी भी चीज को क्या अलाउ कर सकता हूँ, डिसअलाउ कर सकता हूँ, कोई भी पोर्ट को, कोई भी सर्विस को कर सकता हूँ अलाउ या डिसअलाउ कर सकता हूँ, ठीक है। तो एनमैप क्या यूटिलिटी थी, एनमैप एक ऐसी यूटिलिटी है जो किस काम में आती है, अपने सिस्टम को मेल करने, जितने बिल्कुल जितने ही पैकेजेस क्या है, जितने भी पोर्ट्स इनेबल्ड हैं या फिर अलाउड हैं या फिर ओपन है या क्लोज है, उनको मैप करने के काम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एनमैप यूटिलिटी मैंने इंस्टॉल करी, ठीक है। तो एनमैप यूटिलिटी से क्या करता हूँ, मैं अपने सिस्टम को स्कैन करता हूँ कि उसमें कितने पोर्ट्स क्या बोलते हैं अलाउड हैं, कितने क्लोज, ठीक है। इतने क्लियर आप लोग को, एनमैप थोड़ा समझ में यूटिलिटी काम आता है। Yes. तो समझिएगा, अब मेरा मैं सबसे पहले अपने उसका आईपी एड्रेस देख लेता हूँ, क्योंकि जो एनमैप यूटिलिटी काम करेगी वो आईपी एड्रेस के साथ काम करेगी, ठीक है। उससे पहले अपन इंस्टॉल करना देख लेते हैं, इंस्टॉल करना बहुत सिंपल, इंस्टॉल करने के लिए कमांड चलाते सूडो, जैसे वो बंटू की बात बता रहा हूँ, सूडो एपीटी गेट इंस्टॉल एनमैप, ठीक है। क्या करेगा कि एनमैप को इंस्टॉल कर देगा, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल, तो उसने कि एनमैप इज ऑलरेडी दी न्यूएस्ट वर्जन, ठीक है। तो उसने कुछ अपग्रेड नहीं करा, कुछ इंस्टॉल नहीं करा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले अपने सिस्टम का क्या देखूंगा, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस देखने की कमांड आप लोग को कुछ कोई भी बता पाएगा सर, if config हो सकता है इंस्टॉल ना हो मेरे सिस्टम में, इंस्टॉल किया इसमें, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बहुत सारे एडाप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो इंटरनेट चल रहा है कौन से एडाप्टर से चल रहा है, ENS 33 से, किस पे चल रहा है, ENS 33 पे चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो कितना है, 192.168.196.130। तो मैंने आईपी एड्रेस को कर लिया कॉल, ठीक है। अब क्या करना, मैं एनमैप यूटिलिटी से क्या करूँगा, एनमैप यूटिलिटी से उस
अपने सिस्टम की अगर मैं स्कैनिंग करेंगे तो सिस्टम की स्कैनिंग किसके थ्रू होगी? आईपी एड्रेस के थ्रू। तो ये मेरे सिस्टम का क्या है? आईपी एड्रेस, ठीक है। तो मैंने उसको कर लिया स्कैन, ठीक है। तो बता रहा है स्टार्टिंग एंड में, ये उसका वर्जन दे रहा है, ठीक है। बाकी उसका टाइम बता रहा है कि इतने इतने टाइम या इतनी इतनी डेट पे एनवेब, मतलब अपने एनवेब चला है, ठीक है। एनवेब स्कैन रिपोर्ट्स फॉर ओएस बॉक्सेस। ओएस बॉक्सेस क्या है? ओएस बॉक्सेस मेरे सिस्टम का होस्ट नेम। अगर मैं होस्ट नेम में कमांड चलाऊंगा, सॉरी होस्ट नेम में कमांड चलाऊंगा तो वो मेरे होस्ट नेम दे रहा है सिस्टम, ठीक है। प्रोसेस अब इतना कुछ सिस्टम डिटेल दी, फिर क्या बोला? ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स आर ऑन ओएस बॉक्सेस आर क्लोज्ड। मतलब जितने भी पोर्ट्स उसने स्कैन करे वो कितने हैं, वो क्या है? क्लोज्ड, ठीक है। एनवेब डन, मतलब उसने बता दिया कि जितने भी पोर्ट्स स्कैन करे उसने वो क्या है? क्लोज्ड। कोई भी ऐसा मेरा पोर्ट नहीं जो ओपन होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फिर उसने बताया कि वन आईपी एड्रेस वन होस्ट स्कैन इन इतने सेकंड्स। मतलब उसने पूरी डिटेल दे दी कि एक अपन ने होस्ट को स्कैन किया कितने सेकंड्स में, कुछ इतने सेकंड्स में। तो एमएफ यूटिलिटी किस काम आती है? कि अपने पोर्ट्स को स्कैन करने के काम आती है। इतना क्लियर है आप लोग को? एक बार मैं वायरशार्क पर जाता हूं। अच्छा, वायरशार्क थोड़ा बहुत समझ में आया कि आप लोगों को कैसे वर्क करता है? वायरशार्क से मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। जैसे फिर से वापस क्या करूँ, मैं भी स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। शीट को क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वायरशार्क एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। वायरशार्क, ठीक है, मैंने वायरशार्क को करा, पहले क्लोज करके अपन ओपन करते हैं। सबसे पहले इंटरफेस देखते हैं क्या, ठीक है। ये सारे अडेप्टर्स हैं जिन पे वो काम करेगा, मतलब जैसे ब्रिज, सब ब्रिज और ऐसे नेटवर्क ब्रिजेस होते हैं वैसे ही सारे ब्रिजेस हैं। तो लेकिन मेरा इंटरनेट किस पे काम कर रहा है? ENS 33 पे। देखिए मैं उसको स्क्रॉल, मैं उसको होवर कर रहा हूँ तो वो अपन को एड्रेसेस दिखा रहा है, दिखा रहा है 192.168। और उसके नीचे एक और चीज़ आ रही, वो क्या है? ये जो आपको येलो येलो बॉक्स वो हो रहा है फ्लैश, येलो बॉक्स फ्लैश हो रहा है आप लोग को? मैक एड्रेस, क्या मैक एड्रेस या IPv6 एड्रेस है? कौन सा एड्रेस है? IP address version 6 है ना, उसके ऊपर IP address version 4 बता रहा था। तो मैंने उसको ओपन कर लिया क्योंकि मेरा इंटरनेट इसके थ्रू चल रहा है। तो मैंने वायरशार्क को कर दिया अभी स्टॉप, ताकि अभी को कोई पैकेज को कैप्चर ना करे ना। तो मैं वापस इस पर गया, ठीक है। अब मैंने एक वेबसाइट खोली, वेबसाइट खोली HTTP की वेबसाइट खोल रहा था। तो अपने ब्राउजर से HTTP की वेबसाइट वापस कर ओपन करी, अभी मुझे वापस जा रहा। फिर से मैंने उसको स्टॉप करा क्योंकि वहाँ फ्रेश हो गया, कुछ पैकेज ट्रांसफर हो गया। स्टॉप, ठीक है, वापस गया, ठीक है। और मैंने क्या कर इसको, ये वेबसाइट खोली, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे सिस्टम पे आई होंगी तो वो बता रहा है, ठीक है। अच्छा, ये DNS का मतलब क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन तो मेरा सिस्टम सबसे पहले कहाँ गया? उसके लोकल DNS पे गया, जहाँ पे DNS वर्क कर रहा हो। तो मेरा DNS कौन सा एड्रेस पे वर्क कर रहा है? .2 पे, मतलब सेम एड्रेस है। बाकी कहाँ पे वर्क कर रहा है? डोमेन नेम सिस्टम पे, ठीक है। तो उसने क्वेरी जनरेट करी ए टाइप की। ए टाइप या आप लोगों ने डोमेन सर्वर पढ़ा, DNS सर्वर पढ़ा है क्या? कोई भी, किसी ने भी? सर बस बेसिक आइडिया है। बेसिक आइडिया, चलिए ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, फिल्टर कर लेता हूँ HTTP को, ठीक है। तो वो अपना पूरा रिकॉर्ड जनरेट हो गया उसका, ठीक है। तो जो मेरा सोर्स एड्रेस है वो क्या है? ये सोर्स एड्रेस है। उसकी डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन मतलब ये डेस्टिनेशन कौन सा आईपी एड्रेस होगा जहाँ पे मैंने विजिट करा, किसको? इस वाली वेबसाइट, ठीक है। मैं काम करता हूँ कि मैं इस वेबसाइट की क्या कर लेता हूँ, URL कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे इस वेबसाइट का देखना है, इसकी वेबसाइट का आईपी एड्रेस देखना है, ठीक। अब मुझे कैसे क्लियर होगा कि ये वेबसाइट उसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस, ये जो आईपी एड्रेस दिया वो उसी वेबसाइट का है? तो मैं कमांड टर्मिनल पे आया, मैंने चला होस्ट स्पेस जो भी उस वेबसाइट का नाम था, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसका एड्रेस क्या आ गया? देखिए आपको एड्रेस दिख रहा होगा, उसका दिख रहा है? यस सर, ठीक है। तो ये उसका आईपी एड्रेस, तो अपन को वायरशार्क में वही सेम आईपी एड्रेस दिख क्या है 59 और लास्ट में कितना है 30। तो वायरशार्क में भी उनको सेम आईपी एड्रेस दिखा रहा है ना। तो ये अब मेरा जो मेरे पैकेट्स, मेरे सिस्टम से पैकेट कहाँ गया? इस डेस्टिनेशन पे गया, है ना। प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है? प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है? HTTP। क्यों? क्योंकि ये जो वेबसाइट चल रही है वो किस पे चल रही है? HTTP प्रोटोकॉल पे चल रही है। देखिए इसलिए क्या बता रहा है, कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, है ना यार। मैं HTTPS भी आपको दिखाता लेकिन कुछ इशू कर रहा है भाषा, इसलिए वो शो नहीं हो रहा है, है ना। तो आप देखिए इसने क्या करा, गेट रिक्वेस्ट क्या करी, गेट रिक्वेस्ट करी उस आईपी एड्रेस पे, ठीक है। फिर क्या करा,
उस सिस्टम ने, सॉरी उस सर्वर ने, जो भी ये वेबसाइट थी उस सर्वर ने क्या करा, उस सर्वर ने मेरे सिस्टम को कौन सा जिसका आईपी एड्रेस कितना है 130, उसको क्या करा, एक्नॉलेज करा, क्या करा, एक्नॉलेज करा। ठीक है, तो आपको ऐसे सक्सेस कोड दिखा रहे हैं, सक्सेस कोड होता है एचटीएमएल 200। जब भी कोई वेबसाइट अपन वेबसाइट पे काम करते हैं, यही कोड होता है शायद, आप लोगों ने बहुत सारे कोड देखे, आपने कोई वेबसाइट एक्सेस करी जिसमें आ रहा होगा कोड 404, कोई भी किसी ने भी, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? हेलो, मैं ऑडिबल? यस सर, यस सर, यू आर ऑडिबल। तो किसी ने काम किया कोई वेबसाइट पे जहाँ पे ऐसा, मतलब आपने ऐसा जनरली जर्मन पर जनरल पर्पस में ऐसा देखा होगा जहाँ पे एरर आता है, एरर कोड 404? हाँ सर, आता है, देखा है। वो एरर फॉर्म, मतलब वो आता है वेबसाइट नॉट फाउंड के लिए, है ना, ऐसे बहुत सारे कोड्स होते हैं एसटीएम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो 200 कोड होता है वो सक्सेस कोड होता है ना, मतलब मेरी वेबसाइट एक्सेसिबल है या फिर काम करी प्रॉपरली। ठीक है, तो वो मेरी वेबसाइट, मेरे मशीन से उस सर्वर पे क्या गया, एक रिक्वेस्ट गई और सर्वर ने उसको क्या करा, एक्नॉलेज करा। तब इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, अब वेबसाइट है, इसके पीछे सीएसएस पे भी काम होगा, एचटीएमएल सीएसएस पे। ठीक है, तो आपको वो भी दिखा रहा है कि सीएसएस फाइल इसने फैच करी, reset.css फाइल फैच करी, है ना, इसने गेट रिक्वेस्ट करी, मतलब मेरी मशीन ने उस सर्वर से गेट रिक्वेस्ट करी, किसकी गेट रिक्वेस्ट करी, सीएसएस फाइल। ऐसी बहुत सारी फाइल्स आपको दिख जाएगी। ठीक है, और जैसे सीएसएस फाइल वाली पे क्लिक करो, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी काम करिए ना, तो आपको सब दिखा रहा होगा, गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, होस्ट दिखा रहा होगा कौन सा है। ठीक है, एनकोडिंग, ये बहुत सारी चीज़ें, एनकोडिंग या एक्सेप्ट एनकोडिंग, ज़िप का कोई मतलब समझा पाएगा कि मुझे? So, वेबसाइट का जो डेटा होता है, जो कोई रिक्वेस्ट करते हैं, वो कंप्रेस करके भेजता है हमको। बिल्कुल, तो वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट का डेटा मेरे पास क्या आता है, कंप्रेस करके। ऐसा क्यों होता है? ऐसी मेरी लार्ज फाइल्स भी हो सकती है ना, अभी तो सीएसएस क्या बहुत केबीस में होती है जी, तो सीएसएस फाइल मेरी बहुत केबीस में होती है, लेकिन फिर भी क्या ये मेरा वहां पे से कंप्रेस्ड होके आ रहा है, ताकि जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो थोड़ा कम डेटा, मतलब कम साइज में ट्रांसफर। ठीक है, ऐसी मैं सब बताता हूँ। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी आपको वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप तो वायरशार्क सब बेसिकली क्या करता कर सकते हो, अपने नेटवर्क को मैनेज, वो एनालाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो कि मेरा कोई भी पैकेट है वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी वाली आईपी एड्रेस तो नहीं जहाँ वो ट्रांसफर हो रहा हो, कोई ऑथेंटिक वेबसाइट पर ट्रांसफर हो रहा हो। ठीक है, तो वायरशार्क किसलिए काम आता है, आपको पैकेट मैनेज करते हैं। इतना क्लियर आप लोग को? ठीक है, और एनमैप से आप क्या कर सकते हैं, एनमैप से बेसिकली अपने सिस्टम में जितने भी पोर्ट्स ओपन है या क्लोज है उनको एनालाइज कर सकते हैं। तो एनमैप की मैंने बहुत बेसिक सी कमांड बताई थी। ठीक है, अगर एनमैप का हेल्प देखें तो उसमें बहुत सारी कमांड होती है ना, मतलब बहुत सारी चीजें अपन और कर सकते हैं, कि जैसे एक स्विचेस देख लें अपन, ये सारे स्विचेस है, यहाँ पे अपन और चीजें देख सकते हैं कि और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अभी तो मैंने बहुत सिंपल सी एक कमांड चलाई थी एनमैप और आईपी एड्रेस, तो उससे बस बताया था कि मेरे सिस्टम को उसने स्कैन करके बताया कि 1000 पोर्ट जिसने भी उतना स्कैन करे उतने क्या, उतने क्लोज है। ठीक है, इतना क्लियर आप लोग को? यस सर, यस सर, अपन सेशन यही कंक्लूड करते हैं।